मैं पैनिक अटैक के और डिप्रेशन, एक भय बना रहता था, डर बहुत लगता है, डर। हाँ जी, आप क्या फील कर रहे हो, पूरा पूरा लगता कि नहीं? पूरा पूरा कर रहा हूँ। आप पूरा फील कर पा रहे हो? गुरु जी आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। हम डीएनए में चार लोग हैं, हम इटली से आए हैं। इटली से आए जी? खुश हो बेटा। तो मुझे 5 साल से मेडिसिन लेता हूँ मैं पैनिक अटैक के और डिप्रेशन डिसऑर्डर जी। हिंदी इतनी नहीं आती है, झटके से आना, तड़का ज़्यादा तेज होती है, वही वही आसपास कुछ महसूस होना, फील होना जी, लगना जैसे कोई है साथ में है, आसपास है। सिज़ोफ्रेनिया, फोबिया, एक भय बना रहता था, डर बहुत लगता है, डर, कुछ याद नहीं रहता था, चीज़ें भूल जाते थे जी जी, आप बेहोशी में रहते थे आदि। हाँ। पता नहीं क्या कर जाते थे, भूल जाते थे, भूल किया कि नहीं किया, ये सारा आपको होता था? हाँ जी होता था जी जी। और जॉब में भी दिक्कत आती रहती है, और इसके बाद आपको प्राइवेट कुछ प्रॉब्लम थी जो हम बता नहीं सकते ऑन कैमरा जी, वो भी दरबार ने आपकी अच्छी की, ये सब आप अच्छे हुए हो। ठीक, अब ना आपको डिप्रेशन है, ना एंजाइटी है, ना आपको कोई प्रॉब्लम है, अब आप एकदम अच्छे हो। मेडिसिन ले सकते हैं अभी है? या मेडिसिन जो लेते हैं 5 साल से बताते हैं, मेडिसिन आके बंद करिए। ओम ओम, वो सारा कालखंड नष्ट किया जिसमें रोग पैदा हुआ, शिव नष्ट करके से जो छूटे हुए संकल्प हैं पूरे कर दिए जाएं, सारे रोग और कष्ट जो इसको हैं संकल्प नहीं ले पाए बच्चा, सुश्रुत सर्जरी कर दें, मस्तिष्क की सर्जरी कर दें, स्त्री तो पीछे किया जाए, पुरुषोत्तम आगे रखा जाए, शिव जेंडर वही रखा जाए जिस जीवन में जन्म लिया है, बैलेंस। 5 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो 5 times। आपको बेटा बहुत इन्फेक्शन हो रहे थे है ना? हाँ जी, प्राइवेट समस्या बहुत हो रही थी, और हाइड्रोसील की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी तुम्हें, अंडकोश में तुमको हो रही थी, और कुछ खतरनाक सी इस वो थे समस्याएं, जैसे जेंडर ही आपका धीरे धीरे चेंज हो रहा था, जैसे आप अपने को पूरा पूरा लड़का नहीं फील कर पाते थे है ना? हाँ जी। अब क्या फील कर रहे हो, पूरा पूरा लड़का कि नहीं? पूरा पूरा कर रहा हूं। आप पूरा फील कर पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें थी बेटा, अब आप एकदम अच्छे हो, बिल्कुल मस्त। ठीक, आप जैसे इटली से आए थे वैसे ही नहीं बचे, एकदम फ्रेश हो आप, बिल्कुल ठीक है, आप लग रहा है? है जी, लग रहा है। आपका आत्मविश्वास दरबार ने खूब बढ़ाया है जी, आपकी अपने कार्य के प्रति अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाई है। हाँ जी। आपकी एकाग्रता बढ़ाई दरबार ने, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाई है, ऐसा है कि नहीं? जी है, बिल्कुल खुश रहिए, सब काम कर पाओ। एक लास्ट बात गुरु जी, जब से मेडिसिन लेता हूँ ना शरीर बहुत भारी हो गया, शरीर भारी हो रहा है, स्तन बढ़ रहे हैं। हाँ। आपके स्तन बढ़ रहे थे, आप दरबार नहीं आते, धीरे धीरे स्तन और बढ़ जाते, ठीक है? अभी आप पुणे से पुरुष हो, ठीक, अब ये सब वापस चले। बड़ी खुशी हुई आपके, खुश रहो बेटा, दर्शन करके खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा। प्रभु जी मेरे, मुझे शुगर है, शुगर है, पेट की भी बहुत प्रॉब्लम है। हाँ है, और ये सब कैंसर, सारे शरीर पे एलर्जी भी है, कैंसर है, सारे शरीर पे एलर्जी है, और पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता। संकल्प करिए, ठीक है, और अभी कब, कल चले जाओगे तुम? तो कल की फ्लाइट है हमारी, तो महावन कैसे हो गए, चलो ठीक है, ठीक है बेटा, अपना संकल्प प्रार्थना करना, ठीक है, और लेपन भी करिएगा, ड्राई लेप ले लीजिएगा तो इस बच्चे का भी होगा। और दिन में मुझे नींद आती रहती है, गाड़ी चलाते आलस बहुत था, अब लग रहा आलस है आपको?
अब तो नहीं लगता, पर कल मुझे बैठे बैठे भी नींद आ रही थी। कल्पवाज हुआ बेटा पूरा, अब आप एकदम अच्छे हो, ठीक है, लेपन करना, ठीक है, खुश मस्त रहिए।